नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GDPL ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को लेकर, जिसमें डिस्कस करेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। गाइस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सब में इसका बहुत ही रोल है। अगर आप हमारे YouTube चैनल के न्यू कमर्स हैं तो हमारे YouTube चैनल GDPL ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही गाइस, अगर आप लोगों और जैसे RPSC की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड कैसे तैयारी करें, NDA की तैयारी कैसे करें, या फिर आप लोग जानना चाहते हो कि GD आर्मी या क्लरिकल की तैयारी कैसे करें, तो इस तरह के वीडियोज वॉच करने के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को आप सर्च करना चाहते हैं तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल दिया है। बाकी आप यादव या आप लिख सकते हैं श्याम यादव मोटिवेशनल स्पीकर, वहां से आपको इस तरह के वीडियोज प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले बात करें तो थार्नडाइक के सिद्धांतों को लेकर के चर्चाएं करते हैं। और थार्नडाइक जो था, उसने जीवों में सीखने के तीन प्रमुख नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? तीन प्रमुख नियम बताए हैं। सबसे पहले बात करें तो थार्नडाइक जो है, उनका नाम है एडवर्ड एल थार्नडाइक। क्या नाम है? एडवर्ड एल थार्नडाइक। संबंधवाद का प्रतिपादन की बात करें तो अमेरिका के एडवर्ड एल थार्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया। नोट डाउन करते रहिएगा, कुछ बातें स्क्रीन पर हैं और कुछ स्क्रीन पर नहीं हैं। नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें, ऐसा मैं आपको हर वीडियो में कहता भी हूं, तो अब तो आपको आदत भी हो गई होगी अगर आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, इस सिद्धांत को बहुत सारे उपनाम हैं, उनसे भी नाम जाना जाता है और एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, बात करें उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। बात करें तो थार्नडाइक जो था ने इस प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली रखी। पूछा गया है सवाल, तो इसने यानी कि किसको, किसके माध्यम से इसने इसका जो है सिद्धांत को आगे बढ़ाया, तो इस सिद्धांत को बढ़ाने के लिए उसने एक भूखी बिल्ली ली। भूखी बिल्ली को एक पहेली संदूक अर्थात पजल बॉक्स के अंदर बंद किया। संदूक के बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा गया। संदूक से बाहर आने के लिए संदूक में एक लीवर लगा हुआ था, जिसको दबाने पर संदूक का दरवाजा खुल जाता था। और जब भूखी होने के कारण जो बिल्ली है वो संदूक में क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है गाइस, उछल कूद करेगी। और इस उछल कूद के दौरान उससे वो लीवर दब जाएगा, और लीवर दब जाते ही क्या हो गया, बिल्ली बाहर आकर मछली का टुकड़ा खा लेती है। यानी कि उछल कूद करती है, और उछल कूद करने से लीवर का बटन दबता है, और उस बटन को दबते ही वो खुल जाता है, और खुल जाते ही वो क्या कर देती है, बाहर जो मछली का टुकड़ा रखा था उसको खा लिया। आप देखो, कई थार्नडाइक ने क्या किया, इस प्रयोग को बार बार दोहराया और देखा कि हर बार जो है बिल्ली बाहर जो आने के लिए पिछले बार से कम समय लगा रही, ऐसा क्यों हो रहा है गाइस। और कुछ दिनों में बिल्ली ने एक ही प्रयास में बंदूक का दरवाजा खोलना सीख लिया तथा उद्दीपन थानुक्रिया में एक स्थायी बंधन बन गया। गाइस, ऐसा कैसे हुआ, देखिएगा, पहले वो प्रयास कर रही थी, उससे गलतियां हो रही थी, उसे नहीं मालूम था कि लीवर कहाँ है, तो वो उछल कूद कर रही थी, मगर भूल चूक के अंदर वो अचानक से, यानी कि उसके माइंड में सेट नहीं थी ये बातें कि कहाँ है, बट अचानक से दबा, यानी कि दबा और खुल गया। उसी बार फिर उसने दोबारा से फिर और कई बार प्रयास किए, तो उसने सोचा कि शायद इधर से खुला होगा, इधर से होगा, तो कोशिश की तो उसे टाइम लगा मगर कम लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि वो सीख गई कि हाँ, इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपन जूं दबाएंगे तो ये वाला सीधा का सीधा इसको दबाते ही क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो गाइज, ये जो सिद्धांत है हमारे जीवन में भी लागू होता है कि अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो शुरुआत में हमें वक्त लगता है किसी कार्य को करने में, मगर धीरे धीरे हमें मालूम हो जाता है और हम लोग उसे आसानी से करने लगते हैं। तो यही साइकोलॉजी जो आपको टफ लगती है, बहुत ईजी है। अगर आप इसमें प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग बहुत जल्दी लर्न कर लेंगे।
तो बात करते हैं थार्नडाइक के मुख्य नियमों के बारे में। तो देखिएगा, उसने जीव में सीखने के तीन प्रमुख नियमों को बताया है। एक तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव का नियम है। नोट डाउन कर लो। तत्परता के नियम की बात करें तो देखो, प्राणी किसी भी काम को तभी संतोषपूर्वक तरीके से करेगा जब तक वह इस काम को करने के लिए तत्पर हो, अन्यथा वह उस काम को संतोष पर ढंग से नहीं कर सकता और उसके बारे में स्थायी रूप से सीख भी नहीं सकता है। अभ्यास का नियम है, अभ्यास सब पर लागू होता है। अपन कहते भी है ना, प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, या यूं कहते हैं करत करत के अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवक जात थे सिल्पर परत निशान। तो गाइज, प्लस अभ्यास करने से सब चीज़ें सब हो जाती हैं। तो जैसे अभ्यास का जो नियम है, इस नियम में सीखे गए कार्यों को बार बार अभ्यास करने पर बल दिया जाता है, यानी कि आप बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। और इसके भी दो उपनियम बताए हैं थार्नडाइक ने, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का। उपयोग का जो नियम है वो इस बात पर बल देता है कि मनुष्य उस कार्य को बार बार करता है जिसमें वह उपयोगिता समझता है, और अनुपयोग का मतलब जिसके अंतर्गत अन्य बातें समान रहने पर भी यदि क्रिया अनुपयोगी होती है तो उपयोग में नहीं रहने से वो क्षीण हो जाती है। एक होता है गाइस प्रभाव। प्रभाव के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम से इस बात का पता चलता है कि जिस कार्य को करने से अगर किसी प्राणी को सुख की प्राप्ति होगी, संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, तो वह उस काम को बार बार करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, और उस कार्य को करने से दुख या असंतोष होगा तो वह उस काम को नहीं करेगा। भाई, आपने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद आपको उससे कुछ बेनिफिट होगा, देखिएगा जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई कार्य हम लोग करते हैं और उस कार्य को करने से अगर हमें उसका कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है, तो डेफिनेट है कि हम लोग उस काम को फिर भी करने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात बताइएगा कि अगर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम लोग उसे नहीं करना चाहेंगे। ये ह्यूमन नेचर भी है, ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है मानव की। अगर किसी को किसी कार्य को करने से इफ वी आर गेटिंग समथिंग दैट टाइम वी विल ट्राई अगेन एंड अगेन। बट कई बार ऐसा होता है कि हम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं बट जो हमें आउटपुट मिलता है, हम जो रिजल्ट्स की बात करें तो जीरो, यूँ कहें कि जीरो नहीं मान लीजिएगा, 2% जो भी मिला, बट इफ वी आर नॉट सेटिस्फाई तो हमारा जो माइंड है वो क्या होगा, उसको करने की कोशिश नहीं करेगा। तो सिंपल सा है। तो गाइस, इसको आसानी से याद किया जा सकता है, ऐसा कोई टफ वाला नहीं है, ठीक है, बहुत इजी वे से आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं सीखने के कुछ उन्होंने नियम बताए हैं, जो गौण नियम कौन कौन से बताए हैं। देखिएगा, एक तो बहुविधि अनुक्रिया का नियम बताया है उन्होंने, एक सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम बताया है, एक आंशिक क्रिया का नियम, एक मनोवृत्ति का नियम बताया, और एक साहचारी व्यवहार परिवर्तन बताया है। बहुविधि अनुक्रिया, देखिएगा बहु का मतलब अनेक और विधि का मतलब विधियां, तो बहुविधि अनुक्रिया नियम के अंतर्गत जब व्यक्ति के सम्मुख यानी कि उसके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वो अनेक तरह की क्रियाएं करता है। जब तक सही अनुक्रिया के माध्यम से उसका समाधान नहीं हो जाता वो करता रहता है, इसलिए उसको बहुविधि अनुक्रिया कहते हैं। देखिएगा गाइस, मान लीजिएगा आप किसी स्थान पर हैं और अचानक से आग लग जाती है, आप चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो आप अलग अलग उपाय सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं इधर से भागूं, इधर से भागूं, या यहां से भागूं, या इधर मान लीजिएगा कमजोर पहलू इसको तोड़ करके भाग सकता हूं, या मान लो इस दीवार पे चढ़ के इधर से फांद सकता हूं। अ लॉट ऑफ आइडियाज विल कम इन योर माइंड, बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि और आप तब तक इसको कंटिन्यू रखोगे तब तक कि आपका समाधान नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब बहुविधि, अचानक से जब भी कोई समस्या आती है तो देन ये ह्यूमन नेचर है, जैसा मैंने कहा कि वो उस वक्त करता है। एक आदमी हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, उठ करके चल नहीं सकता, मगर अचानक से अफवाह फैलती है, जैसा कि आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि अचानक से जब ऐसी खबर आती है कि बॉम्ब है या कोई तूफान की बात आती है तो मरीज अचानक से उठ करके भागने लगता है, अपना बचाव करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब इंसान के सामने अचानक से कोई भी जब समस्याएं आती हैं तो वो अलग अलग तरह से उसका समाधान करने की कोशिश करता है, और यही जो समाधान करने की कोशिश करता है गाइज, इसे कहते हैं बहुविधि अनुक्रिया का नियम। दूसरा, सादृश्यता द्वारा, सादृश्य दृश्य का मतलब दृश्य, देखने वाले, यानी कि हमारे जीवन में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिन हम अनुभव के आधार पर नई जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं, कुछ समस्याएं उनसे मिलती जुलती होती हैं तो समस्याओं को उसी तरह से करते हैं। आंशिक के नियम के अंतर्गत कोई प्रतिक्रिया पूर्ण परिस्थिति में न होकर कुछ अंशों के लिए ही होती है, इसलिए उसको
उसको खंडों में करने पर जोर देते हैं, मार देते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा इतनी इतनी की समस्या है, इसको ऐसे ऐसे सुलझा देते हैं। फिर होता है मनोवृत्ति, इसको हम लोग मानसिक विन्यास का नियम भी कह सकते हैं। यह प्रत्येक चीज़ है, देखो सीखने की जो प्रवृत्ति होती है यानी कि जो लर्निंग पावर जो होता है वो ह्यूमन के अंदर अलग अलग होता है। कुछ की कैपेसिटी इतनी होती है कि वन या टू टाइम में अगर किसी ने उनको बताया तो दैट टाइम वो इजी वे से उसको कैच कर लेते हैं, सीख जाते हैं। कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसके बारे में कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं सीख पाते। एक होता है साहचर्य, इस नियम ये जो नियम है इसमें ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करते हैं। ऐसा तभी होगा जब अध्यापक जो हो है वो स्टूडेंट्स के सामने वैसी परिस्थिति रखेगा, ठीक है गाइज। और बात करते हैं थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का, शिक्षा पर क्या महत्व है, इसको लेकर बात करें तो सीखे गए ज्ञान एवं कौशल का अभ्यास करने पर बल देते हैं थार्नडाइक। वो कहते हैं मंदबुद्धि बालकों को, बालक जो होते हैं वो भी इस सिद्धांत के माध्यम से सीख सकते हैं, अर्थात ये उनके लिए उपयोगी है। और उन्होंने पुनर्बलन को आवश्यक माना इसके लिए, यानी कि सिद्धांत अधिगम जो है यानी कि जो लर्निंग है उसके लिए पुनर्बलन जो होता है रेनफोर्समेंट वो बहुत ज़रूरी है। तो ये गाइस, इसके अलावा जैसे बालकों में अवेयरनेस होनी चाहिए अर्थात जागरूकता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए अर्थात धैर्य, या फिर एक्टिवनेस होनी चाहिए जैसे सक्रियता, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए उनके वर्क में, ये गुण भी इस सिद्धांत के माध्यम से विकसित होते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये सिद्धांत जो है वो गणित, विज्ञान, दर्शन आदि विषयों में आई अनेक जो प्रॉब्लम्स होती है उनका निवारण करने में भी सहायता करता है। सीखने की क्रिया जो होती है उसमें प्रोत्साहन और प्रेरणा का प्रभाव को बताकर अधिगम में पुरस्कार के द्वारा प्राप्त लाभों को भी प्रतिपादित करने में सहायता करता है। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम क्रिया से पहले अधिगमकर्ता को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करती है, ठीक है, सीखने के लिए तैयार कर देती है ताकि जरूरत जब भी जो जरूरत पर जोर दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था थार्नडाइक का जो था सिद्धांत के बारे में चर्चाएं की, बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे हल्का प्रबंधन या पुनर्बलन सिद्धांत को लेकर के, तो जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।